आज विश्व भर में, सारी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। 2020 जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, आज उस वक्त मनाया जा रहा है जब सारी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है, महामारी है। आज जितनी भी नर्सेस हैं, मिडवाइफ हैं, जो लोगों की सेवा कर रही हैं इस समय दुनिया भर में, उनके नाम पर आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। WHO जिसकी स्थापना जिनेवा में 1948 को मीटिंग में की गई थी और 1950 में ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाने लगा। आज इसके बारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने स्लोगन के साथ, फ्लैक्स के साथ आपको ये मैसेज देंगे कि दुनिया में जो मिडवाइफ हैं, जो नर्सेस हैं, जो डॉक्टर हैं, कैसे कोविड कोरोना वायरस से दुनिया को बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। नेचर जर अगर हमारा हेल्थ ठीक होगा, प्राकृतिक का हम सहयोग करेंगे, नेचर से हम मिलके रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए हमें खान पान के लिए कैसा भोजन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योग करने चाहिए। अगर हम ये सभी योग वगैरह करेंगे और जो भोजन है वेजिटेबल वाला लेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बिल्कुल ही लाभप्रद रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। ये हवा, ये आकाश, ये धरती, ये बाजू, ये सब हमारे साथ ही, हमारे जो बॉडी है उसके साथ ही रिलेटेड हैं। गर्म और ठंडा जो कि हमारे शरीर के लिए दोनों ही दशा जो हैं जरूरी हैं। टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो हमारा शरीर उसे कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ये हम जो आकाश देख रहे हैं, जो हवा देख रहे हैं, ये पानी, जल, वायु, ये हमारा शरीर इन्हीं जो तत्व हैं इनसे बना हुआ है। तो आज जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, इसी को लेकर, हमारे स्वास्थ्य को लेकर सारी दुनिया में ये जो दिवस है, ये वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जा रहा है। कोविड-19 2020 में सारी दुनिया में प्रकोप बढ़ चला है कोरोना वायरस का। लोग मर रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग जो हैं अफेक्टेड हैं, संक्रमित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। हर कोई सड़कों पर तड़प रहा है, घरों में तड़प रहा है। महामारी फैल चुकी है। यूरोप के जो डेवलप कंट्री थे वो भी आज थर थर काँप रहे हैं इस कोरोना वायरस से। ये कोरोना वायरस आज सारी दुनिया में, सारे वर्ल्ड को, जिसमें गरीब अमीर हर तरह के लोग हैं, तड़प रहे हैं कि ये कोरोना वायरस कब ठीक होगा। इसके आगे कोई भी दवाई, कोई भी हेल्थ इक्विपमेंट काम नहीं कर रहे, सिर्फ लोग कराह रहे हैं। और कैसे ये 2020 का जो हेल्थ डे आया है, वर्ल्ड हेल्थ डे आया है, जब सारी दुनिया में हेल्थ को लेकर, सारी दुनिया में हेल्थ को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। और जो WHO है, जिसने सारी दुनिया में वर्ल्ड के जो हेल्थ जितनी भी प्रॉब्लम आती हैं उन पर निगरानी करनी होती है, आज वो भी असमंजस में है, दुविधा में है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी हम देखते हैं, कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों ने चार्ट बनाया, हमने पहले ही बताया था कि हम उनको देखते हैं कि वो वर्ल्ड डे पे क्या मैसेज दे रहे हैं। आया था कि नन्हे मुन्ने बच्चे जो वर्ल्ड हेल्थ डे पे अपने पोस्टर बनाकर दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे फाइट कोविड-19। जो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, उसे आज सारा संसार लड़ रहा है, सारी दुनिया लड़ रही है। और डॉक्टर जो है, नर्सेस जो हैं, मिडवाइफ जो हैं, और जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, और जो हेल्थ वर्कर हैं, सारे के सारे जो लोग हैं आज इस महामारी कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर हम सारे बच्चे पूरे विश्व और पूरे भारतवर्ष को पूर्ण स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अभी ये देखिए, ये बच्चे ने जो मैसेज दिया है, तो इसके बाद जो स्वर्थ मानंदर
स्वस्थ तन होंगे ने, जो स्वस्थ मन है उसमें स्वस्थ तन में जो है स्वस्थ मन रहता है। तो ये मैडम अनीता शर्मा जो आर्किटेक्ट में है और जो बेलन ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो समय समय पर सोशल वर्क करते रहते हैं, आज वो हमें मैसेज दे रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर कि कैसे हमें अपने जो जीवन है, जो हमारा स्वास्थ्य है, कैसे उसको बचाना है। लेकिन सबसे बड़ी त्रासदी जो हमारे संसार में अब की बार आई है 2020 में, हु के आगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कोविड है, जिससे सारा संसार, सारी दुनिया कांप चुकी है, त्राही त्राही मची हुई है, इस पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। तो हम मैडम अनीता शर्मा से सबसे पहले यही सवाल करेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, जो कोविड है, कोरोना वायरस, आज वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर सारी दुनिया इसको रोकने के लिए, इस जो बीमारी है बचाव, इससे बचने के लिए प्रयास कर रही है। नमस्कार, मैं अनीता शर्मा आर्किटेक्ट और सोशल वर्कर हूँ। मैं आज विश्व सेहत दिवस है, इस अवसर पर पूरे विश्व को मैं आज स्वस्थ रहने की मनोकामना करती हूँ। जैसे कि इस समय पूरे का पूरा संसार कोविड-19 के साथ जूझ रहा है और ये एक महामारी बनके लगभग 200 देशों में फैल चुका है। 70-72 हज़ार से ज़्यादा मौतें हो चुकी है इससे और कई लाख, 12-13 लाख बंदे जो हैं इससे अभी तक ग्रस्त हैं। अभी पता नहीं उनका क्या बनेगा। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो जो विश्व के लेवल पे भी हमने सेहत को संभालने के लिए अभी तक हमने जीत हासिल नहीं की है, अभी तक हम वहीं के वहीं हैं। जैसे आज से तकरीबन 100 साल पहले महामारी हुई थी, उस समय नहीं किसी को बचाया जा सका था, आज भी वही उसी दिशा में हम खड़े हैं। चाहे साइंस ने जितनी मर्जी, टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली, मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली, पर आज हम एक बेबस असहाय की तरह खड़े हैं। चाहे वो कोई USA का रिसर्च सेंटर है, चाहे इंग्लैंड के कोई भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, जहाँ उनके हॉस्पिटल, जहाँ हेल्थ का सिस्टम है, इटली का हेल्थ सिस्टम नंबर 2 पे था दुनिया में पूरे में। तो आज सबको एक औंधे मुँह इस महामारी ने गिरा दिया है। ये हमारी मानवता की एक असफलता है, ये विफलता है मानवता की। क्योंकि वैसे तो जो विश्व हेल्थ डे है उसका मेन मकसद तो यही है कि अपने स्वास्थ्य का खुद ही ध्यान रखो। अगर आपका मन स्वस्थ होगा तो तन स्वस्थ होगा, तो मन भी स्वस्थ होगा। तो अगर आप इलाज कराने की बजाय परहेज करते हो तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। अपने स्वास्थ्य का अगर एक एक इंडिविजुअल अपने आप ध्यान रखना शुरू कर दे तो पूरा जो विश्व है उसको हम अचीव कर सकते हैं, स्वास्थ्य दिवस के रूप में तो सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो ये जो विश्व स्वास्थ्य डे है, मैं आज पूरे विश्व के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, अपने पंजाब के लिए, लुधियाना के लिए, सबके लिए ये मनोकामना करती हूँ कि फिर से पूरे का पूरा संसार ऐसे हरा भरा हो जाए और कोरोना को मात दे के हम आगे निकल जाए। धन्यवाद। प्रियल प्रांजल, आपने जो वर्ल्ड हेल्थ डे का जो अपना पोस्टर पकड़ा है, इसमें क्या मैसेज देना चाहते हो आप पब्लिक को? आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमें कोविड-19 को रोकना होगा और अपने सारा पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स और नर्सिस को हम सल्यूट करते हैं। वो इतने सारे लोगों की जानें बचा रहे हैं और वो अपने आप अपनी लाइव्स भी रिस्क में डाल रहे हैं, इसलिए आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर हमें उन्हें सल्यूट करना चाहिए। तेजस्वी, आपने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर जो ये स्लोगन लिखा है, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें हमने ये कहा है कि जो कोविड-19 है उससे आज पूरा वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड सर्वाइव कर रहा है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है। वर्ल्ड हेल्थ डे इसलिए बनाया जाता है कि हम हेल्दी रहे, पर हमें कोविड-19 को फाइट करना और फिर से हेल्दी बनना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सारे संसार में जो वर्ल्ड हेल्थ डे था, जो कोरोना वायरस था, उसके कारण आज वो थरथरा रहा है, वर्ल्ड हेल्थ डे ही हमारा, लेकिन हमें उस पर कामयाबी हासिल करनी है। जैसे बच्चों ने बताया, मैडम नीता शर्मा ने बताया, जो बेल्डन ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि हमें इससे फाइट करना है, फिर देश को हमें वही जो हमारी चाल थी हेल्थ वाइज सभी लोग रहने चाहिए, उस पर हम दोबारा आ जाएंगे। और हम यही आज कामना कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर कि सभी लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रयास से, जो उनकी जो गाइडलाइन है कि कोरोना वायरस के वक्त हमको घर पर रहना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन विकास।